नहीं, जाने अनजाने में आपकी कुंडली में भी सूर्य और शनि का टकराव तो नहीं हो रहा है? सूर्य और शनि आपस में इस तरह से घमासान तो नहीं मचा रहे आपके जीवन में, जिसके कारण आपके जीवन में अन्य परेशानियां, सेहत की, मैरिड लाइफ की, धन की, या फिर किसी तरह से आपके सामाजिक रुतबे की कहीं ना कहीं खराबियां पैदा हो चुकी हैं? आपकी कुंडली में सूर्य और शनि किस समय आपस में बेहद कट्टर दुश्मन बन जाते हैं? ऐसी क्या कंडीशन बन जाती है कि सूर्य पर शनि के प्रकोप या फिर शनि का एक काला साया सूर्य पर कालिख बनकर चढ़ने शुरू हो जाता है? किस तरह से शनि देव के प्रकोप के कारण सूर्य आपकी कुंडली के कालख लेना शुरू कर देते हैं, काले होना शुरू कर देते हैं और उनकी चमक कहीं ना कहीं खराब होना शुरू कर देती है? ऐसी कई कंडीशंस हैं जिसमें कि सूर्य और शनि आपस में एक दुश्मनाना व्यवहार व्यक्ति के जीवन में करना शुरू कर देते हैं। चलिए आज हम समझते हैं किस तरह की कंडीशन और किस तरह की ये परेशानी आपकी कुंडली में छुपी छुपाई होती है, जिसका पता भी नहीं लगता है इंसान को कि परेशानी यहाँ से है पर हम उपाय कुछ और कर रहे थे। आज हम समझते हैं सूर्य शनि की दुश्मनी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सीधी सी एक बात समझिए, आपके घर का दरवाज़ा है, आप उसको सही दिशा में खोलते हो तभी वो खुलता है, पर जब आप उसमें विपरीत दिशा से धक्का लगाओगे तो दरवाज़ा कभी नहीं खुलेगा। इसी तरह से कुंडली में जब सूर्य शनि आपस में दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन बनने की कुछ कंडीशंस हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। जब वो दुश्मन बन जाते हैं तब हमारे जीवन में अनेकों तरह की परेशानियाँ आनी शुरू होती हैं, तब हम कहते हैं कि ये परेशानियाँ शायद राहु की वजह से आ रही हैं, शायद हम दशा में चल रहे हैं इस वजह से आ रही हैं, शायद हमारे बृहस्पति की दशा चल रही है। इस वजह से इंसान कंफ्यूज होकर जो उपाय करना होता है वो नहीं करता है और कहीं ना कहीं दरवाजे को दूसरी तरफ से ही धक्का लगाता रहता है। तो आज की ये जानकारी आपके लिए कहीं ना कहीं आँखें खोलने की जानकारी है, जिससे कि आप ये समझ जाओगे कि परेशानी कहाँ से आती है, छुप कर आती है। एक बात समझिए, इसराइल और ईरान में कितनी दूरी है, तो इसी तरीके से कुंडली में ग्रह कई बार बहुत दूरी पर, बहुत घर छोड़ छोड़ कर आपस में जाकर बैठ जाते हैं, पर कहीं ना कहीं वो दूरी होने के बावजूद भी एक दूसरे पर मिसाइलें छोड़ते रहते हैं, जैसे कि ईरान और इसराइल में चल रहा है। इसी प्रकार से आपकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो दूर बैठे ग्रह को भी कहीं ना कहीं आपका दुश्मन बना देते हैं और आपके जीवन में उससे संबंधित परेशानियाँ चलती हैं। अब आप समझिए, सूर्य और शनि की, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी धार्मिक कथाओं में भी ये चीज़ें वर्णन मिलती है कि कहीं ना कहीं सूर्य और शनि, यानी कि सूर्य पिता हैं और शनि देव पुत्र हैं, इन दोनों में आपसी कहीं ना कहीं वैर विरोध है। वैर विरोध यानी कि कहीं ना कहीं वो एक जो थॉट्स होती हैं वो थॉट्स मैच नहीं करती हैं, जिसके कारण पिता और पुत्र में घमासान होता रहा। यहाँ तक कि आपने, आपके नॉलेज में ये भी होगा, आपने देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा कि सूर्य को ग्रहण लगाने वाले शनि देव हैं। तो कहीं ना कहीं वो दुश्मनी जब आती है तब उस समय शनि देव का जो प्रकोप है सूर्य देव पर पड़ता ही पड़ता है। अब एक बात समझिए कि जिसकी भी कुंडली में सूर्य और शनि का एक टकराव होता है ना, तो उसके जीवन में इस तरह की लड़ाई होती रहती है, इस तरह की उसका जीवन कभी शांत नहीं बैठता। जैसे आपने देखा होगा बंदर और सांप की लड़ाई किस तरह से होती है, बंदर कभी उठा के फेंकता है, कभी सांप उसको फन मारता है, कभी किस तरह से, ये एक तरह से खेल कूद चलता रहता है उनका। इसी तरह से आपके जीवन में भी ये बंदर और सांप की लड़ाई चलती ही रहती है जब ये सूर्य शनि का हालात आपकी कुंडली में ऐसा हो। अब ये समझिए कब होता है। पहली बात ये समझिए, सूर्य के जो प्रभाव वाले घर हैं वो पहला घर है, पाँचवा घर है, ये सूर्य के प्रभाव वाले घर हैं। ये पहला और पांचवा आपने घर समझ लिया, इसी को पहला और पांचवा समझिएगा और इसी के अनुसार हमें समझना है कि कैसे सूर्य का प्रभाव खराब आपकी कुंडली में होता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य के पहले और पांचवें घर में शनि देव आकर विराजमान हो जाएं और सूर्य आपके दसवें या ग्यारहवें घर में चले जाएं या आठवें घर में आ जाएं, अब ये तीन घर ऐसे हैं जहाँ पर शनि का प्रधान एक क्षेत्र माना जाता है, ये घर उनके लिए समर्पित हैं, इन घर में उनका एक असर माना जाता है और इन्हीं घर से कहीं ना कहीं अब सूर्य और शनि का आपस में मेल बन गया। अब समझिए सूर्य और शनि का आपस में मेल कैसे बन गया। मान लीजिए आपके शनि देव पांचवें घर में बैठे हैं, ठीक है, ये पांचवें घर है और सूर्य देव यहाँ पर दसवें घर में आके बैठ गए।
अब ये दसवां घर आपके कर्म का क्षेत्र है, यहाँ पर आकर बैठ गए तो अब ये टकराव मारेंगे, जिसे कहते हैं टक्कर। छठे आठवें घर की टक्कर हो जाती है, षडाष्टक दोष कहते हैं इसको। सीधी टक्कर शनि पर आकर पड़ेगी। अब शनि पर आकर टक्कर पड़ गई तो आपका कर्म तो कहीं ना कहीं, आपका कर्म क्षेत्र तो कहीं ना कहीं खराब हो गया। आपके जीवन में वो जो काम काज से मिलने वाली सफलताएं हैं वो खराब रहेंगी आपके कहीं ना कहीं जीवन में। आपका शरीर जो है अंदर से तो मजबूत रहेगा पर आपका ढांचा कमज़ोर रहेगा। ढांचा यानी कि हड्डियों की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है आपके शरीर में, इस तरह की ढांचे संबंधित प्रॉब्लम है। और अब ये तो हो गया आपका एक तरह से दृष्टि, या फिर एक तरह से कहें एक वैर विरोध की स्थिति में आके दो ग्रह आपस में बैठ गए तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। जब भी सूर्य के घर में शनि, शनि के घर में सूर्य आपस में अदला बदली हो गए तब ये कंडीशन हो जाएगी। अब एक चीज़ तो आप प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हो, आपकी कुंडली में अगर सूर्य और शनि एक साथ आकर बैठ गए, कहीं भी बैठ जाएं, पूरे 12 घरों में कहीं भी आकर दोनों बैठ गए, तब आपके जीवन में समझ लीजिए, अगर हम दिन के गिनने शुरू करें आपके, तो 32 से लेकर 46 वर्ष तक का आपका ऐसा समय है कि आप इस समय में कुछ कर ही नहीं पाए। आपका यही एक मुख्य समय जो था वही खराब चला गया। बाकी का जो जीवन है वो तो आपका खराब रहना ही है। यानी कि जीवन भर इंसान के कहीं ना कहीं ऐसे उतार चढ़ाव रहते हैं कि जीवन भर व्यक्ति सेटल ही नहीं हो पाता है। अब सोचिए कि आपका जो मुख्य समय था, आपका जो काम काज का समय था, वही खराब चला गया। यानी कि एक बात समझिए, आपकी फसल खड़ी थी कटाई के लिए बिल्कुल, और काटने के लिए लोग ही नहीं मिल रहे हैं, तो किस तरह से होगा। इसी तरह से आपके जीवन में कहीं ना कहीं सूर्य शनि की एक दुश्मनी पैदा हो जाती है जब ये दोनों युति में आते हैं। क्योंकि युति में आने से क्या होता है, अब सूर्य की और शनि की बात करें, सूर्य प्रकाश हैं और शनि अंधकार हैं, अंधियारा हैं। तो सोचिए जहाँ प्रकाश होगा, जहाँ पर प्रकाश होना चाहिए वहाँ पर अब प्रकाश नहीं, शनि के प्रभाव होंगे और सूर्य को कहीं ना कहीं कालिक लगाएंगे। तभी ये कहा जाता है कि ऐसे केस में ग्रहण दोष बनता है व्यक्ति के ऊपर। अब ये आपके दोनों कुंडली में आपस में मैच कर गए, दोनों आपस में मिल गए, दोनों आपस में एक जगह बैठ गए किसी भी घर में, तब ऐसे केस में अब दूसरी तरफ इसका असर पहुंचता है। वो असर कैसे पहुंचेगा आप थोड़ा समझिए। आपकी कुंडली में राहु नेगेटिव हो जाएगा। अब राहु की दशा आएगी, राहु कुंडली में आपके किसी भाव में बैठे हैं, उस भाव को ख़राब करेंगे, आपको कहीं ना कहीं बेमतलब के झंझट, उड़ते हुए तीर आपके लगेंगे आके। और सबसे बड़ी चीज़, आपका मंगल खराब हो जाता है। इसे कहते हैं मंगल बद का हो जाना। मंगल बद यानी कि अब आपका इतना बड़ा ये दुश्मन जिन्न बन जाता है कि आपके जीवन में हर तरह की एक राक्षस के रूप में ये बिल्कुल मंगल आपका बन जाता है। वही मंगल अब आप सोचिए, आपका दोस्त था, आपका दोस्त अब आपका सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन बन गया, तो सोचिए जीवन कैसे चलेगा। क्योंकि वो तो आपको सब कुछ जानता है, A to Z आपका चड्डी बनियान सब कुछ जानता है। इसी तरह से मंगल आपका सबसे बड़ा दोस्त है, अगर वही आपका दुश्मन बन गया तो आपकी जड़ें खुद जाएंगी, आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा। हर समय आपको ये लगेगा, यार मैं कोई भी काम करने चलता हूँ मेरा काम बिगड़ जाता है, मैंने तो किसी को बताया भी नहीं था, फिर कैसे बिगड़ गया। आपने बताया नहीं पर आपके काम काज, आपकी सभी चीज़ों के बारे में मंगल को पता था। अब वही मंगल आपके अशुभ हो चुके हैं, अब आपके सब काम बिगाड़ेंगे। तो सोचिए कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं ना कि पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है, आपके जीवन में कुछ और चल रहा है। इस तरह से थोड़ा समझ लीजिए कि आपके जीवन में अब कहीं ना कहीं शुक्र के प्रभाव भी खराब हो जाते हैं। कैसे, जब सूर्य और शनि आपस में मिल जाते हैं तब ऐसे केस में शुक्र पे सबसे पहले बलि का बकरा बना दिया जाता है। क्योंकि शुक्र अपनी कुर्बानी देता है, शुक्र अपनी कुर्बानी यानी कि शनि के लिए देता है कि शनि पर किसी प्रकार की दिक्कत आ गई। अब सोचिए आग जल रही है और आग को बुझाने के लिए आप उसमें तेल डाल दोगे तो आग बुझेगी नहीं, आग और धधक उठेगी। यानी कि उसने तो अपना सिर्फ फ़र्ज़ निभाया तेल ने कि उसमें जाकर आग में कूद पड़ा वो। इसी तरह से जब भी किसी की कुंडली में सूर्य और शनि होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को खासकर यह हिदायत दी जाती है कि दिन के समय फिजिकल रिलेशन मत रखिए और दिन के समय हस्बैंड वाइफ भी बेड पर ना लेटिए।
थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए, एक सोफे पे बैठ जाए, ज़मीन पे बैठ जाए, या कुछ भी किसी तरह से कोई काम में लग जाए। जो लोग भी छुट्टी के दिन भी अगर इस तरह से भी होता है ना कि छुट्टी के दिन आराम कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों लेटे हुए हैं बेड पे टीवी देख रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं दोनों के बीच में उस समय का प्रेम आपका जो होता है जीवन का, वो कहीं ना कहीं खराबी करने का एक रास्ता है। यानी कि आगे का जीवन आपका खराब होना शुरू हो जाएगा। अब ऐसे में होगा क्या, ऐसे में आपकी धर्मपत्नी बीमार रहेगी, ऐसे में आपका कहीं ना कहीं जीवन में जो शुक्र का संबंध होता है वो खराब हो जाता है। आपके जीवन में धन सुख समृद्धि वैभव पैसा ऐश ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ का जीवन आपका बन जाता है। अब आपने ये समझ लिया कैसे आपने इसको अवॉइड करना है, डे टाइम फिजिकल रिलेशन अवॉइड करिए, अपने जीवन साथी का मान सम्मान करिए, उसको समय समय पर शुक्र की चीज़ें देते रहिए, या फिर 3 ग्रहों की चीज़ें दीजिए जिससे कि आपके जो जीवन साथी को एक सपोर्ट मिलती रहे, आपके जीवन में एक शुक्र भी अच्छा बना रहे। अब ये क्या सपोर्ट होती है, बालों में लगाने वाला एक क्लिप होता है, किस तरह से बनेगा, आप एक सोने का क्लिप बनवाएं, सोने की तार टाइप की बनवा लीजिए, उसके ऊपर आप मंगल का एक मूंगा लगा लीजिए, आप उसके ऊपर एक माणिक लगा लीजिए, यानी कि 3 ग्रहों की चीज़ें हो जाएंगी। इस तरह से आपका सोना, बृहस्पति, मंगल और सूर्य 3 ग्रहों की चीज़ों का ऐसा बना हुआ कोई क्लिप, हेयर बैंड क्लिप, जो हेयर क्लिप होता है वो आप दीजिए वाइफ को, जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। ये सूर्य शनि वाले जरूर कर लें। अब इसका उपाय क्या होता है, उपाय ये होता है, देखिए शनि की चीज़ें हमेशा दान करिए, शनि को आप ये जो एनर्जी है सूर्य की एनर्जी, इससे दूर लेकर जाना होता है। किस तरह से ले जाना होता है, वो ऊर्जा को ही हम थोड़ा सा दूर करते हैं, उसके लिए नारियल और बादाम। अब ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप हमेशा, शनिवार का दिन आता है इस दिन आप मंदिर में दे दीजिए, या फिर अपने घर के आसपास कोई नदी नहर झील झरना कुछ भी है उसमें डाल दीजिए। ये करते रहने से ये सूर्य शनि का कहीं ना कहीं से जो एनर्जी क्लैश हो रहा है उससे आपको बचाव हो जाएगा। और ध्यान रखिए, जब जब ग्रहण आता है, सूर्य ग्रहण आए चाहे चंद्र ग्रहण आए, कुछ भी, दोनों ग्रहण आपके लिए ग्रहण ही हैं, इन चीज़ों का दान या फिर जल प्रवाह करते रहिए, देखिए आपका किस तरह से जीवन में बचाव होता रहेगा। अब इसका और उपाय क्या है, और उपाय ये है कि मंगल को आपको सपोर्ट देनी है, उस मंगल को अपना दोस्त दोबारा बनाना है कि चलो यार जो हुआ सो हुआ, हम दोस्त बन जाते हैं। दोस्त है आपका, अच्छा दोस्त होगा तो अपने आप बन जाएगा, ख़राब दोस्त होगा आपको लूटने वाला होगा तो कभी दोस्त नहीं बनेगा। वो तो कहता है कि जो हाथ मारना था मार लिया, आप चलते बने। आपका दोस्त ये मंगल ऐसा दोस्त नहीं है, आपका ये दोस्त सच्चा दोस्त है। इसको सही रखने के लिए त्रिधातु छल्ला इस तरह से आपको जरूर धारण करके रखना है, जिसमें सोना चांदी और तांबा हो। अगर सोना आपके बजट से बाहर है तो पीतल तांबा चांदी इस तरह का छल्ला बनवा के आप अपनी अनामिका उंगली रिंग फिंगर में जरूर धारण करके रखिए। इससे आपके मंगल को बृहस्पति और सूर्य की सपोर्ट मिलती है, जिससे कि आपके मंगल अच्छे होते हैं। और साथ ही साथ आपके मंगल के जब अच्छे प्रभाव होंगे तो जीवन में सब कुछ मंगल मंगल मंगलमय ही होगा आपके जीवन में। चलिए दोस्तों, इसी तरह की और जानकारियाँ जो ग्रहों से जुड़ी हुई हैं आपको लेकर मैं ज़रूर आपके सामने आऊँगा कि आपका थोड़ा सा जानकारियों में इजाफा हो, आप कहीं ना कहीं भ्रमित ना रहें, आप कहीं ना कहीं अंधेरे में ना रहें, आपको पता हो कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपके खिलाफ़ काम कर रही हैं, उन खिलाफ़ को कैसे अपने आप अनुरूप बना सकें, इस तरह की जानकारियां लेके मैं आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आगे दीजिए, नमस्कार। इस दीपावली अपने घर में बुलाएं साक्षात माँ लक्ष्मी को, और प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आपके लिए धन लक्ष्मी पोटली तैयार की गई है, और इन पोटलियों का काम शुरू हो चुका है, तैयारी हो रही है। आप लोगों को मंगाने के लिए ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि अपनी पोटली को जल्दी से जल्दी बुक करा लीजिए, क्योंकि नवरात्रि के समय में इन पोटलियों को सिद्ध करके आपके एड्रेस पर भेजा जाएगा। इनके अंदर वो दिव्य सामग्रियाँ होती हैं जिनको सही मंत्रों और सही तरीके से प्राण प्रतिष्ठा अगर कर दिया जाए और आपके घर के लॉकर में रख दिया जाए तो ये आपके धन में वृद्धि करती हैं। आपके जीवन में चल रही अनेकों प्रकार से जो कि समस्याएं केवल और केवल धन के कारण आ रही हैं, उन धन की समस्याओं को दूर करके आपके जीवन में लेकर आती हैं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और आपके जीवन में सुख समृद्धि। माँ लक्ष्मी पोटली को बुक कराने के लिए आपको अपना नाम, एड्रेस, गोत्र इत्यादि बताना होगा। बुक कराने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, और ये पोटलियाँ लिमिटेड होती हैं हमारे पास। समय रहते ही अगर आप इनको मंगा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ही फायदा होगा, नहीं तो बाद में ये पोटलियाँ नहीं मिलती हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का समय होता है।